मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान पत्रिका समूह के एमएफ तड़का द्वारा रायपुर के वीआईपी रोड स्थित होटल ग्रैंड एम्पीरिया में आयोजित बिजनेस आइकॉन अवार्ड में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान होटल केबल कारोबारी और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। पुरस्कृत होने से पहले गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों का भी उल्लेख मंच से किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान पत्रिका समूह के एफएम तड़का द्वारा रायपुर के वीआईपी रोड स्थित होटल ग्रैंड एम्पीरिया में आयोजित बिजनेस आइकॉन अवार्ड में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान होटल केबल कारोबारी और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। पुरस्कृत होने से पहले गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों का भी उल्लेख मंच में किया गया। पुरस्कार देने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण होरा के उल्लेखनीय कार्यों की दिल से प्रशंसा की। मुख्यमंत्री से एक बार फिर से पुरस्कृत होने पर महासचिव होरा ने कहा कि उन्हें जब से ओलंपिक संघ महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तब से मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, मुक्केबाजी समेत अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल स्पर्धा करवाई जा रही है। वे छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री बघेल के मंशा के अनुरूप खेलगढ़ बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ओलंपिक नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स का आयोजन करवाया जाएगा ताकि प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल सके। इसके साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों का खेल देखकर अपनी प्रतिभा निखार सके। वे मुख्यमंत्री का खेलों के लगातार आयोजन करवाने के लिए आभार जताते हुए उनके ही मार्गदर्शन में रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट, बाइक रेस और मुक्केबाजी की प्रतियोगिता होने की बातें कही। इसमें नामचीन खिलाड़ियों और बाइक रेसर्स और साथ ही मुक्केबाजों को रायपुर में देखने को मिला। आने वाले दिनों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई स्पर्धा आयोजित की जाएगी। बहरहाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।